बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं KFC फ्राइड चिकन बनाऊंगी। ये चिकन बिल्कुल KFC जैसा बनेगा। सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन करेंगे। मैरिनेशन की चीज़ें देख लें। नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1 खाने का चम्मच, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, हॉट चिली सॉस या हॉट सॉस 1/2 कप और पानी 1 कप। एक मैरिनेशन दही की होगी और 1-2 कोटिंग मैदे की भी होंगी। 3 कप मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। 1 चाय का चम्मच काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर। दही की कोटिंग के लिए 1 कप दही और 1 ग्लास पानी। चिकन की मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चिकन के थाई पीसेस लिए हैं। ये थाई पीसेस मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि ये बहुत जूसी होते हैं। आप लेग पीसेस या चेस्ट पीसेस भी ले सकते हैं। अब मैं इसकी मैरिनेशन के लिए एक बाउल में मैंने 1 कप पानी ले लिया है। पानी में मैं 1 चाय का चम्मच नमक ऐड करूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच काली मिर्च, ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। 1/2 कप हॉट सॉस। हॉट सॉस की जगह आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं और ये भी टेस्ट के मुताबिक डाल लें। लीमू का रस मैं 2 खाने के चम्मच डाल रही हूँ। अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें 1-1 करके चिकन के पीसेस डालती जाऊंगी। चिकन के पीसेस को इसमें मैरिनेशन के लिए आप रात भर भी रख सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो इसको सिर्फ 2 घंटे भी फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन अगर रात भर रखेंगे तो ज्यादा अच्छा बनेगा। चिकन को अच्छी तरह से पानी में डिप कर दें और इसको 2 घंटे के लिए या रात भर फ्रिज में रख दें। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच जीरा पाउडर शामिल करूंगी। इसमें मैं 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करूंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और रात भर इसको मैं फ्रिज में रख दूंगी। रात भर मैंने इसको फ्रिज में मैरिनेशन के लिए रखा था। ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है और मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसको दही के मिक्सचर में डालेंगे। दही के मिक्सचर के लिए जो चीजें चाहिए वो देख लें। 1 कप मैंने दही लिया है। दही आप अपने चिकन के हिसाब से भी डाल सकते हैं। दही ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया है। अब मैं 1-1 करके चिकन के पीस को दही के मिक्सचर में शामिल कर दूंगी। दही ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, पतला ही होना चाहिए।
चिकन को दही में डालने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक रख देंगे। जब तक ये दही में मिक्स होता है तब तक मैदे की कोटिंग तैयार करते हैं। 3 कप मैंने मैदा लिया है जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया है, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच सुर्ख मिर्च और 1 चाय का चम्मच काली मिर्च। अब सब चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदा कम नहीं लेना, मैदा ज्यादा ही लेना है। चिकन को दही में 15 से 20 मिनट हो गए हैं, अब मैं इस पे मैदे की कोटिंग करूंगी। चिकन को मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है और इसको इस तरह से प्रेस करके और अच्छी तरह से मैदा लगाना है। मैदा ज्यादा लगना चाहिए और अच्छी तरह से हर जगह पे। इसको साइड पे रख दूंगी और अब एक और पीस। इसी तरह से सब पीसेस पे मैदा लगाना है। मैदा देखें अच्छी तरह से चिकन प्रेस करके और फिर उस पे मैदा लगाना है। अब ये सब पीसेस पे मैंने मैदे की कोटिंग कर ली है। अब दोबारा से इसको दही के मिक्सचर में मिक्स करेंगे। जो मैदा लगाया था उसको दोबारा से दही के मिक्सचर में डालेंगे और फिर मैदा लगाएंगे। अब इसको दोबारा से मैदा लगा लेंगे। मैदे की एक कोटिंग से ज्यादा अच्छा नहीं बनता, इसलिए मैदे को 2 बार कोट करेंगे। मैदा ज्यादा ही लगेगा और अब ये मैंने सब पीसेस को एक एक करके लगा लूंगी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरी स्टीम्ड चाम्प रोस्ट की रेसिपी भी जरूर देखें, उसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे देती हूँ। सब पीसेस को मैंने कोट कर लिया है मैदे से भी और दही से भी 2-2 बार। अब मैं ये फ्राई कर लूंगी। अब मैंने फ्रायर ऑन कर दिया है, ऑयल डाल दिया है और इसको मैंने 17 पे रखा है। अगर आपके पास फ्रायर नहीं है तो आप इसको कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल अभी गर्म नहीं हुआ, जब ऑयल गर्म होगा फिर चिकन डालेंगे। अब ऑयल गर्म हो गया है, एक एक करके इसमें चिकन के पीस फ्राई कर लेंगे। दस मिनट इसको फ्राई करेंगे एक साइड से और 10 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज करेंगे। ये देखिए ये कितना क्रिस्पी बन रहा है। अब मैं इसकी साइड्स चेंज कर दूंगी। ऐसे साइड्स चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे भी फ्राई हो जाएगा। आप कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं। चिकन पीसेस अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अब इनका ऑयल ड्राई कर लेंगे। KFC फ्राइड चिकन बिल्कुल तैयार है। आप इसको पेप्सी और फ्राइज के साथ सर्व कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज द आर्ट ऑफ कुकिंग बाय अरूज लाइक करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज कुकिंग अरूज फॉलो करें। Thank you for watching my video. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon.